आज हम आ गए हैं जिसमें एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर में आपके पास क्या होते हैं? दो तरह के ईयर्स होते हैं। फर्स्ट है आपके पास सिंपल ईयर और दूसरा आपके पास लीप ईयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ओके, और ये एक दिन तो आपको पता ही है, फरवरी में बढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि एक ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही एक वीक में 7 डेज होते हैं, जो कि होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इनको याद रखने के लिए भी अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे संडे को हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सैटरडे आपने हमेशा याद रखना है, इसे हम 7 नहीं लेंगे, इसे हम 0 लेंगे। ओके, तो ये 0 के कैसे आया ये मैं आपको आपके क्वेश्चंस में बताऊंगी। वैसे ही अब आपने वीक का तो कर दिया है, कोडिंग आपको पता लग गई है इसकी कि 1 से लेकर 0 तक होता है, सैटरडे ऑलवेज 0 ही रहता है। ओके, वैसे ही आपके पास एक ईयर है, ठीक है, उसमें आपके पास 12 मंथ है, जो कि है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इसकी जो कोडिंग रहेगी वो नॉर्मल ईयर के लिए अलग रहेगी और लीप ईयर के लिए अलग रहेगी। तो नॉर्मल ईयर के लिए रहेगी 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ये है आपकी नॉर्मल ईयर के लिए। एंड फॉर लीप ईयर, अब आपको पता है लीप ईयर हमें किस तरह से पता लगता है, जब फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है। ओके, तो चेंजेस भी किसमें ऐड है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में, बाकी जितना भी कोडिंग यहाँ पर है ये सब सेम रहेगा। तो हम लिखना शुरू करते हैं। अब जनवरी की 1 है, फरवरी की 4 है, तो इसमें हमने क्या करना है, -1 करना है दोनों में, जनवरी और फरवरी की कोडिंग से हमें -1 करना है, तो हमारे पास लीप ईयर की कोडिंग आ जाएगी। जैसे 1-1 0, 4-1 3, बाकी सब सेम एज इट इज ही रहेगा, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी कोडिंग्स हैं, आपको ये याद करनी है अच्छे से, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होगा, चाहे वो ये वीक्स का हो या मंथ्स का हो। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम एक डेट को लेंगे। ओके, तो हमें जो है पूरे मेथड से उसको सॉल्व करके बताना है कि उस डेट पे वो। तो अब हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिस जो है 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें आप सबसे पहले चेक करोगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये नॉर्मल ईयर है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये तो लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, ओके, रिमाइंडर फिर भी रहेगा। तो ये क्या है आपके पास, नॉर्मल ईयर। तो इसमें आप सबसे पहले देखोगे नॉर्मल ईयर में जाके कि जनवरी की कोडिंग क्या है। जनवरी की कोडिंग आपके पास है 1 और 26 और लास्ट की ये 50 को आप डिवाइड करोगे 7 से। अब आप इसको डिवाइड 7 से इसीलिए करोगे क्योंकि आपको वीक्स के डेज बताने हैं, डेज बताओगे तो उसमें तो 7 ही डेज है ना, तो आप इसको भी 7 से ही डिवाइड करोगे ताकि आपको इसका डे पता लगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ओके, अब आप इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है, रिमाइंडर पे ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए 26 को 7 से करेंगे तो
तो क्या ये हो जाएगा? नहीं, 7 3 21, तो इसका रिमाइंडर क्या रह रहा है? 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और हम 7 को दोबारा 50 से करेंगे, आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर रह रहा है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। अभी आपके पास एक और स्टेप आएगा, आपको इसको फिर से जो है 4 से डिवाइड करना है। 50 को ही आपने जब 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 4, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ओके? रिमाइंडर पे आप ध्यान नहीं दोगे। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आप रिमाइंडर पे ध्यान दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, ओके? तो वो है आपके पास 12। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे? आप इन वैल्यूज को ऐड करोगे, 12 1 1 एंड 5, तो क्या आएगा? ये 12 13 14 15 16 17 18 and 19। जब आपके पास 19 आ गया तो 19 को भी आपने 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको कोई ना कोई कोड तो चाहिए ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि ये कौन सा डे आएगा, ओके? तो जब हम 17 से करेंगे तो 7 2 14, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो 5 आपने देखना है इस तरफ जाकर कि कौन से डे की वो कोडिंग है। तो ये आपकी थर्सडे की, तो इस दिन था आपका थर्सडे। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आप जब भी 7 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे, आप रिमाइंडर पर ध्यान दोगे। आप 4 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, तो आप उसी क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, ओके? तो अब आपके पास जो नई बात ध्यान रखने के लिए आ गई है वो है सेंचुरीज और उनके कोड्स। जैसे 2000 में इसका कोड है -1, 1900 का है 0, 1800 का है 2, 1700 का है 4। तो जो आपका 2000 का है वही आपका 1600 में रहेगा, 1900 का कोड 1500 में रहेगा, 1800 का 1400 में, 1700 का 1300 में, मतलब 4-4 ईयर्स के गैप में आपके जो कोड्स है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि हर 4 साल में आपके पास लीप ईयर आता है, ओके? तो अब हमने जो है नई डेट ली है वो है 14 February 2024। इससे पहले ली थी हमने 26 January 1950। 1950 1900 सेंचुरी के अंडर आता है, 2024 2000 सेंचुरी के अंडर आता है, ठीक है? तो आपने आगे कोड पे भी ध्यान देना है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले इसको 4 से देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, और ये जो है 4 से डिविजिबल है तो ये क्या है? लीप ईयर, ओके? तो लीप ईयर में आपको फरवरी का कोड देखना है, जो कि आपके पास 3, आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। और लास्ट के 2 डिजिट्स को मैंने आपको कहा था 7 से डिवाइड करना है, 14 को भी आपने 7 से डिवाइड करना है, और ध्यान क्या देना है इसमें? रिमाइंडर का, ओके? तो इसमें तो आएगा आपके पास 0 और इसमें आ जाएगा आपके पास 3। और अब आपको इसको एक और बार डिवाइड करना है, बट इस बार करोगे आप डिवाइडेड बाय 4, और इसमें आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का, ओके? और इसका क्वेश्चन होगा आपके पास 6। अब आपने इतना तो कर दिया, अब आपको क्या करना है? इन्हें ऐड करना है, इन नंबर्स को 3 3 6 एंड 0। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा नंबर 12। अब 12 से आपको पता तो लगेगा नहीं कि कौन सा डे था, ठीक है? और हमें डे निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। अब 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको रिमाइंडर पर ध्यान देना है, तो इसका रिमाइंडर आएगा आपके पास 5। बट क्वेश्चन यही नहीं खत्म होता है अभी, क्योंकि ये जो सेंचुरी चली है ये चली है 2000, तो इसका कोड है आपके पास -1, तो आपको 5 में क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा, -1 = 4। अब जो आपके पास 4 आ गया है, इसको चेक करना है आपने डेज में कि ये कौन से डे का कोड है, और ये है आपके पास वेंसडे का कोड, ओके? तो इस दिन है आपके पास वेंसडे। इस तरह से आपका
क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें आपके पास सिर्फ क्या ध्यान देना है, वीक का कोड, मंथ्स के कोड और सेंचुरीज के कोड, इनके बेसिस पे आपके जो है क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेवन से डिवाइड करोगे तो आपने रिमाइंडर पे ध्यान देना है, फोर से डिवाइड करोगे तो आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ओके, तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ से जो है उनकी डेज निकालते रहिए, ऐसे ही आप जो है क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करते रहिए।